लॉयल हो दीदी तो शादी करो तो मैं नहीं दसिया कि तीन माँ ने तो मैं कड़े भी नहीं पाए आ नहीं किया दैन अंजलि ने खुद प्रूफ कर दिया कि दे आर नॉट अलोन यू नो हमारी बिरादरी है नमस्कार दोस्तों मैं अनूप चहल आपके अपने पॉडकास्ट फरीदाबाद रोकर्स में आज के जो हमारे गेस्ट हैं सोशल मीडिया की सुपरस्टार अंजलि अरोड़ा राम राम जी सारिया ने <laughs> <laughs> कैसे हो मैं बिल्कुल ठीक हूँ आप कैसे हो और आपकी अंजलि एक नंबर आपको भी ज्वाइन करनी है क्या मैं तो है कि बिरादरी बन रही है तो मेरे को लगता है आपको भी ज्वाइन कर लेनी चाहिए हाँ, मतलब छत्तीस छोड़ के छत्तीस भी बिरादरी बन गई है अलग ही चल रहे हैं <laughs> चल रहा है बहुत बढ़िया तो अंजलि जी ये तो हंसी मजाक चलता रहेगा लेकिन मेरे क्वेश्चन ना एकदम खड़े रहेंगे बिल्कुल 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 जो पूछोगे मेरा पहला क्वेश्चन है की आपकी फैमिली में ना कौन कौन है आपने स्टडी कहाँ तक करी और कहाँ से करी मेरी फैमिली में मैं मम्मी पापा मेरे भाई भाभी और मेरा भतीजा छोटा माधव जो अभी एक साल पहले ही हुआ है और एक साल का हो गया है वो ये छोटी सी फैमिली है मेरी पहले हम रहते थे पूरी जॉइंट फैमिली के साथ अभी मैं रिसेंटली आपकी फ़रीदाबाद में शिफ्ट हुई हूँ मैंने घर लिया है तो हमारी पूरी फैमिली फरीदाबाद शिफ्ट हो गई पहले हम पूरी जॉइंट फैमिली के साथ रहते थे जिसमें चाचू चाची दादी बच्चे सब थे और मैंने स्टडी की है आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी स्कूल मैंने किया है गुरुवर कृष्ण पब्लिक स्कूल से हेमकुंड कॉलोनी तो अंजलि जी हम जानना चाहते हैं जो ये अंजलि अरोड़ा है ये कैसी लड़की है सिंपल फैंसी फूडी या लेजी आई थिंक मिक्सचर 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 मतलब मिक्सचर इन द सेंस कि ये सारी चीज़ें हैं मेरे में तो समटाइम्स uh, मैं बहुत लेजी भी होती हूँ कि तीन तीन चार चार बजे तक सो रहे हैं कोई पता नहीं है है ना और मेहनती भी हूँ अपने काम को लेकर कि अगर चार बजे का कॉल टाइम है तो उठ के जाना है और खाने में यार मैं थोड़ी सी यू नो हो जाती हूँ है ना कि यार खाना भूख लग है तो खा लेती हूँ इतना नहीं सोचती कि यार हमें लाइक ऐसे हमारी इंडस्ट्री में काफ़ी लड़कियाँ सोचती है कि यार हमें अपना फ़िगर मेंटेन करना है हाँ। हम मोटे हो जाएंगे यार खाओ पियो ऐश करो खुश रहना बहुत ज़रूरी है और खाना खुशी देता है आई नो वो तो तकिया कलम बना दिया खाना खुशी देता, देता है देता है भाई जब देखो आप उदास हो अच्छा आपका फेवरेट खाना मिल जाए ठीक है पिज्जा मिल जाए पास्ता मिल जाए तो यार उससे बड़ी बात क्या है अगर अंजलि अरोड़ा सोशल मीडिया स्टार ना होती तो क्या होती आई थिंक इट्स अ गुड क्वेश्चन मे बी एयर होस्टेस एयर होस्टेस बहुत बढ़िया मतलब फिर अगर होते तो कैसे करते हैं मतलब वो बेल्ट लगा के कि सीधे देखो हाँ, दे... सही बात है यार मतलब मैं जब स्कूल में थी तब से मेरा शुरू से यही था कि मुझे ना एयर होस्टेस बनना है बिकॉज मुझे पूरा मेरे को ट्रैवल करना बहुत पसंद है तो उसकी वजह से भी एक ही रीज़न था कि मुझे एयर हॉस्टेस इसलिए बनना है बिकॉज मैं पूरा वर्ल्ड ट्रैवल करना चाहती थी अपने पैसों पर कि मुझे ना किसी से मांगना अच्छा नहीं लगता कि लाइक मुझे यहाँ जाना है यहाँ जाना है मैं अपने घर वालों से भी बहुत कम मांगती हूँ तो मुझे ये था कि यार एयर हॉस्टेस की जिंदगी ऐसी है कि ट्रैवल 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 तो मुझे ऐसा था कि यार मुझे ट्रैवल करना है तो ये जॉब मेरे लिए सबसे बेस्ट है इवन मेरा इंटरव्यू भी क्लियर हो गया था और फिर उसके बाद लॉकडाउन हो गया देन पेज टर्न फिर वो हो गया <laughs> तो जैसे कि अभी आपने एक अच्छा मुकाम पा भी लिया और करोड़ों का घर भी ले लिया आपने सारी चीज़ ठीक है ये मतलब सारी सोशल मीडिया जान रही है लेकिन हम जानना चाहते हैं वो चीज जो किसी को ना पता जब आपने स्टार्टिंग करी थी पहली सैलरी या फिर इनकम कितनी थी थ्री हंड्रेड रुपीज तीन सौ रुपये पहला प्रमोशन किया था इवन जब मैंने शॉर्ट वीडियोस बनाना स्टार्ट किया था ना तब मुझे ये भी नहीं पता था कि इससे अर्निंग होती है लिटरली मुझे नहीं पता था सोशल मीडिया नहीं मुझे ऐसा नहीं पता था कि इससे हम पैसे भी कमा सकते हैं या इस पर प्रमोशन होते हैं क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ में लगते नहीं है उसको सीखते नहीं है उसमें पता नहीं चलता हमें कि इसमें है क्या एग्जैक्टली exactly। तो जब मैंने स्टार्ट किया शॉर्ट वीडियो से मैंने टिकटॉक से स्टार्ट किया था तो मैं मेरा, मेरा फर्स्ट वीडियो था मुझे सा के घर जाना है तो वो बेलन वाला वीडियो मेरा बहुत वायरल हुआ था वो पहला था पहला वीडियो था तब टिकटॉक के टाइम उसके बाद ना मुझे प्रमोशन्स आने स्टार्ट हुए देन जो मैंने फर्स्ट प्रमोशन किया था था वो अच्छा भी लग रहा है मुझे ये काम करने में अच्छा लग रहा है तो यार वाई नॉट इसको हम अपना पैशन बना ले, अपना काम बना ले करियर बना ले आपने उन तीन सौ का क्या किया क्या किया खर्च कहाँ करे वे खर्च यार ये तो मेरे को नहीं पता क्योंकि अब उस तीन सौ रुपये में क्या ही आता है बट बहुत कुछ था मेरे आ, लिए मतलब... क्योंकि फर्स्ट सैलरी थी धीरे धीरे मैंने जब मेरे पास थोड़े से पैसे इकट्ठे हुए ना मैं अपनी मम्मा मैंने ब्लॉग भी डाला है आई थिंक यूट्यूब पे मैं अपनी मम्मा के लिए कड़े लेके आई थी सोने के सोने के मैंने का पैसे इकट्ठे करके मतलब उसको जोड़ के फिर मैंने जो फर्स्ट मतलब प्रॉपर मेरा एक सैलरी इकट्ठी हुई थी वो मैंने उससे अपनी मम्मा को गिफ्ट दिया था माँ बाप पूरी जिंदगी बच्चे के लिए करते रहते हैं जब बच्चे को कभी मौका मिले अपने माँ बाप के लिए कुछ करने का तो कितनी खुशी मिलती है उन्हें बिल्कुल बिल्कुल और मेरी मम्मी ना हमेशा बोलती रहती थी कि यार, तेरे पापा ने ना मेरे को माँ ने तो मेनू कड़े भी नहीं पाए आ नहीं किता तो वो मेरे को हमेशा क्लिक रहता था कि यार मम्मी को ये चाहिए तो वो दिलाना है मैंने देखा कि सोशल मीडिया पे ना अंजलि अंश है उसको ना ट्रोल किया गया

ट्रोलिंग आजकल ना हर चीज़ ट्रोलिंग से ही स्टार्ट हो गई है किसी कोई अच्छा करता है चाहे बुरा करे ट्रोलिंग ही उसको पता नहीं क्यों नेगेटिव वे में लोग ले जाते हैं ले जाते हैं और लोगों को पसंद आता है अगर हम अपनी बात करें है ना अगर हमसे कोई किसी की तारीफ कर रहा है हाँ। तो शायद हम उसकी बात चार मिनट या पाँच मिनट सुन लेंगे अगर किसी की बुराई चल रही है अगर किसी का कुछ है ना मसालेदार चल रहा है तो हमारा इंटरेस्ट खुद का बढ़ जाता है सुनने में तो आजकल लोग भी वैसे ही हो गए हैं

मेरे लिए वो लोग एग्जिस्ट करते हैं कि मैं उनको जवाब दूं और जिसको मुझे जवाब देना चाहिए मेरी आर्मी स्ट्रांग है मेरे एंजेलियन स्ट्रांग है एंड आई एम हैप्पी मुझे किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं दे आर इनफ मैंने एक चीज देख के चलो ये तो अब की बात है एक आपने पहला रियलिटी शो करा था लॉकअप उसमें जब आपका वेलकम हुआ ना वेलकम के साथ-साथ ना आपको रोस्ट भी किया गया हां तो वो आपको पहले से पता था या फिर एक्चुअली वो शो ना जब मैं शो में गई तो मुझे उस शो का ना इवन सुबह तक कॉन्सेप्ट भी नहीं पता था क्योंकि वो एक दिन पहले ही लॉक हुआ था जी तो जब मैं वहाँ जाके स्टेज पे खड़ी हूँ एक तो कंगना मैम मेरे सामने है ना जी. कि मतलब हमारा सबका ड्रीम होता है और जी. मैंने कभी वो शायद मैंने कभी सपना सोचा भी नहीं था जी। कि सामने मीडिया बैठी होगी मैं एक स्टेज पे खड़ी हूँ मेरे हाथ में माइक है मुझे माइक में बोलना भी नहीं आता था लिटरली बट जब हाँ जब सामने से क्रॉस क्वेश्चन हो रहे हैं ये हो रहा है आई वॉज लाइक ओके मैम ठीक है जो, जो भी बोल रहे ठीक तो, है मैं क्या उस टाइम नहीं बताता एक होता है ना कि एक्सपीरियंस सिखाता है कि अगर पहले कुछ पता हो तो हम हाँ, बता भी दे और वो टाइम मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि शायद हर चीज ना बहुत कुछ सिखाती है उसने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया कि जब उस टाइम पे मैं जवाब नहीं दे पाई थी ना उनको हाँ, मतलब कुछ भी ठीक है जैसा भी रहा और जवाब देना तो फिर, भी ना बनता, हाँ, फिर मतलब वो वो हाँ, नहीं पर ऐसा हाँ, कुछ था भी नहीं उस वे में देना कि मतलब बदतमीजी नहीं जवाब उस वे में दो कि जो सामने वाले को भी अच्छा लगे और लोगों को भी अच्छा लगे आई थिंक मुझे वहां पे जवाब देना चाहिए था बट आई थिंक मेरा दिमाग कम था उस टाइम पे मैं छोटी थी तो नहीं दे पाई जैसे ये रियलिटी शो होते हैं इनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे जैसे ये आ, 100% रियली होते हैं या फिर स्क्रिप्टेड भी होते हैं आ, एक सच्चाई चाहिए मतलब फरीदाबाद रॉकर्स चैनल पे ना ये बिल्कुल, बिल्कुल सच्चाई रियलिटी शोज आजकल रियलिटी शो रहे ही नहीं लोग अपने आप की एक पर्सनालिटी लेके जाते हैं वो जो चाहते हैं कि मैं लोगों के सामने ऐसे खुद को प्रेजेंट करूं जी और वो इतना आजकल ना प्रटेंट सिस्टम इतना ज़्यादा स्ट्रोंग हो चुका है कि लोग अपने आप को ऐसे एकदम दायरे में रखते हैं कि मुझे सिर्फ यही दिखाना है वो रियलिटी होती ही नहीं है बिकॉज जब वो लोग आपसे बाहर मिलते हैं ना वो एकदम ऑपोजिट होते हैं दे आर चेंज और रियलिटी शो एक एक्सपीरियंस है जी। कि लाइक जो हम अगर मैं पाँच छः साल में जो चीज़ें एक्सपीरियंस करूँगी ना आगे बाहर की लाइफ में रह के वो रियलिटी शो आपको ना दो तीन महीने में सिखा देगा रियलिटी शो तो, वो एक्सपीरियंस देता है जो आप पाँच छः सालों में जियोगे वो आपको दो तीन महीने में दे देगा तो आपका कहने का मतलब ये है कि कई बार जैसे हम किसी को भी एक रियलिटी शो में देख रहे हैं वो अंदर जैसा दिख रहा हो सकता है बाहर उसके अपोजिट opposite... अपोजिट ही होते हैं ऑलमोस्ट लोग ऐसा मैंने एक्सपीरियंस किया है ऐसा किया है। ये भी मैं गलत भी हो सकती हूँ बट जहाँ तक मैंने चीज़ों को ऑब्जर्व किया है सीखा है देखा है तो ऐसा ही होता है जो ये लोकअप शो है इसके दौरान जो भी उस में आपके दोस्त बने वो अब भी दोस्त हैं उनसे दोस्ती चल रही है या फिर हाँ, हाँ, काफी मेरे सारे दोस्तों से बात होती है अली से जिशान से पूनम से साइशा से सबसे बात होती है मतलब एक जो अगर फ्रेंड सर्कल बन गया हाँ, वो कायम है मैं? बिल्कुल बिल्कुल रहा है तो मैंने देखा बिग बॉस सेवनटीन में अभी आप अंकिता लोखंडे को सपोर्ट कर रहे थे तो मैं आप दोनों के बॉन्ड के बारे में जानना चाहता हूँ कि आप कैसे मिले उनसे और ये बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बना ये बॉन्ड ऐसे स्ट्रॉन्ग बना जब मैं लॉकअप से निकली थी लाइक द डे जब फिनाले था और फिनाले के जस्ट रात को ही जब सब कुछ हो गया अवार्ड वगैरह सब हो गया और हम बाहर निकले तो अली हमारे साथ लॉकअप में ही था तो वो मुझे अंकिता दी के घर लेके गया था तो देर वॉज अ पार्टी जहाँ पे बहुत सारे लोग आ रखे थे और मुंबई मेरे लिए बहुत नया था लाइक बिल्कुल नया उससे पहले हाँ मैं सीधा रियलिटी शो में ही गई थी यहाँ से दिल्ली से सीधा रियलिटी शो में मुंबई में जी। तो जब मैं बाहर निकली तो दुनिया बहुत अलग लग रही थी एक तो क्योंकि जब आप एक जगह कहीं पैक होते हो जी। है ना तो और जब आप एकदम से बाहर आते हो तो वो चीज़ें बहुत अलग होती हैं और फिर मैं वहाँ पर अंकिता दी के घर गई तो उनसे मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखी जी। वो जैसे मुझे समझा रही थी और उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें लाइफ के बारे में बताई कि आगे आने वाला फ्यूचर तुझे कैसे करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए तो उन्होंने एक वो एक बड़ी दीदी वाला बॉन्ड होता है ना वो मेरा उनसे वहाँ बना और फिर उसके बाद हम काफ़ी सारे अवार्ड फंक्शन्स में मिले काफ़ी सारी पार्टीज़ में मिले तो वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता गया एंड द डे जब वो बाहर निकली बिग बॉस से तो उसी दिन जैसे मैं उनके पास गई थी ना रात हाँ। को अपने शो से निकलने के बाद तो उन्होंने भी मुझे शो से निकलते ही कॉल किया कि आ जा, आ sit, आ बैठते हैं और आ फिर मैं मतलब घंटे उनके साथ बैठ के आई जाके बात की पूरे शो के बारे में मतलब वो भी अपनी चीजें बता रही थी एक्सपीरियंस बता, बता, बता रही थी तो वो ऐसा बॉन्ड है कि जो मुझे हर जगह गाइड करती हैं तो जैसे जो अंकिता लोखंड है उनमें ना बिग बॉस के अंदर एक मेच्योरिटी दिखी ऐसी लेकिन उनके मतलब आपस में झगड़े तो हुए हैं खूब दोनों के यार झगड़ा देखो दो बर्तन रखेंगे अगर हम तो वो अगर टकराएंगे तो आवाज़ तो आएगी ना हम सब इंसान हैं यार आ, अगर कहीं पे भी हमारे घर में लड़ाई नहीं होती अगर हम अपने घर में अपने मम्मी पापा के साथ भी रह रहे हैं तो तू तो मैं हो जाती है इट्स नॉट अ बिग डील बट ठीक है उन्होंने बहुत अच्छे से उस चीज़ को हैंडल भी किया और उनको अपनी गलती रियलाइज हुई दोनों को दैट्स द बिग थिंग कि उन्होंने वो सॉर्ट करके उसको कंटिन्यू किया मेरा जो अगला क्वेश्चन है कि एक अप्रैल को आपने एक प्रैंक किया था कि हाँ। अपनी आ, सगाई के बारे में ठीक है आपने प्रैंक किया तो उस चीज़ पर यार दोस्तों का और जो रिश्तेदार होते हैं खासकर जो रिश्तेदार होते हैं उनके क्या रिएक्शन थे सबसे अच्छा रिएक्शन था मेरे छोटे भाई का वंश का वो था वहाँ पर पंजाब में तो वहाँ से मुझे फ़ोन आया रोते रोते दीदी तुम्हें शादी करो तुम मैंने नहीं दस्या

क्रिकेट हो गया वो टॉप टेन के अंदर आता है हमारी इंडियन आर्मी है वो टॉप टेन के अंदर आती है और जो एग्रीकल्चर खेती बाड़ी है वो भी टॉप टेन के अंदर ही आती है लेकिन अगर आ, मीडिया के बारे में बात करें तो वो टॉप टेन तो क्या टॉप हंड्रेड में भी नहीं आ रही नहीं। तो क्या कहना चाहोगे अपनी राय रखो इस बारे में आजकल मीडिया के मीनिंग ही बदल गए हैं मुझे ऐसा लगता है मीडिया के मीनिंग बदल गए है तो तकिया कलम बना दें मीडिया के मीनिंग बदल गए कैसे मतलब क्योंकि मीडिया ना वो रही नहीं है जो पहले थी आजकल पता नहीं मीडिया इतना मसाला मसाला सारी चीज़ें और मतलब बहुत अलग हो गई हैं चीज़ें अलग हो गई क्योंकि कोई ना किसी को अच्छा दिखाना ही नहीं चाहता मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जैसे आप होते हो ना वैसा आपको मीडिया सच में कभी दिखाती ही नहीं है दे शो यू लाइक द वे यू आर तो मतलब वो, वो अलग ही हो जाता है कि लाइक वो उन चीज़ों पर फोकस करते हैं जो जिनसे उनको फायदा होगा जी कि अगर आपको अगर वो कहीं कैप्चर करते हैं बॉम्बे में मतलब एक रिवाज है आपको रिवाज पता है। होगा कि स्पॉटिंग होती है स्पॉटिंग में दे ऑलवेज कैप्चर दोस्त थिंक कि जो उनको पता है कि उनके पेज पे ज़्यादा चलेगी जी। है ना और अगर वो उनको नहीं मिलता है तो दे वो अपलोड भी नहीं करते जी। आज आजकल ये चीज़ें हो गई हैं वो अपने हिसाब से अपनी लाइक अपने फायदे के लिए चीज़ें करने लग गए हैं जहाँ तक मुझे मीडिया समझ आ रही है तो जो अंजलि अंश की ओर तय कोई मीडिया को कोई राय या कोई सुझाव या कोई सलाह यार देखो हमें तो बनाने वाले भी वही हैं हमें हाँ। गिराने वाले भी वही हैं और जो दोबारा से उठाएंगे हमारे लिए वो सब कुछ है तो बोल दे एक की मेहनत करो मीडिया वालों को अरे और... यार दे <laughs> दे आर बेस्ट नो हाँ, कैसे डील करना है <laughs> <laughs> बहुत बढ़िया तो अभी आते हैं हम यूट्यूब पे जो यूट्यूब इंडस्ट्री है आप सभी को जानते हो तो मैं जानना चाहता हूँ आपका जो फेवरेट यूट्यूबर है वो कौन है मेरा फेवरेट यूट्यूबर आ, यार मैं वैसे इतना यूट्यूब मतलब यूट्यूबर्स को फॉलो नहीं करती क्योंकि मेरे को व्लॉगिंग वगैरह इतनी ज़्यादा पसंद नहीं अगर होती तो मैं खुद भी ज़्यादा व्लॉग बनाती किसी भी है कई बार डाली हाँ। भी है और फिर कई कई दिन बार इतने सारे व्लॉग्स रेडी रखे हैं मतलब रखे हुए हैं कि उसको मेरा ना जी नहीं करता डालने का पता नहीं क्यों आई डोंट नो कि मुझे ऐसा लगता है कि यार पता नहीं शायद लोग जज करें क्योंकि एक ना पास्ट ये चीजें रह चुकी गए हैं आजकल हर चीज पे बट वो रहता है कि यार ठीक हाँ। है, या है अपनी पर्सनल पर्सनल लाइफ को रखते हैं दैट्स ऑल अभी जैसे तो फिर भी उसे ट्रोल किया गया तो अंजलि क्या <laughs> कहना चाहेगी पॉडकास्ट में मैं फेवरेट सबकी। ट्रोलिंग मुझे ऐसा लगता है ठीक है यार <laughs> जैसे अभी एलविस की कंट्रोवर्सी हुई उसके बाद ना एक लोगों को ना एक आइडिया सा मिल गया कि फेक कंट्रोवर्सी करने की एक रिवाज सी होगी कि भाई कंट्रोवर्सी करो आपस में लड़ो और मतलब दिखाओ और फॉलोवर बढ़ाओ हाँ. तो इस बारे में मतलब क्या कहना चाहोगे आप क्या ये सही है किसी हद तक आई डोंट थिंक सो मुझे नहीं लगता बिकॉज स्टूपिडिटी है ये okay. कि आजकल मैंने काफ़ी सारे लोग देखे हैं फालतू में लड़ते हैं वीडियोस में दिखाने के लिए और ठीक है उनको अच्छा लग रहा होगा लोगों को भी पसंद आता है द मेन थिंग कि लोगों को पसंद आ रहा है इसलिए लोग करते हैं हाँ, लोगों को पसंद आ रहा है इसलिए वो करते हैं इसलिए वो करते हैं 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 क्योंकि थीक उन्हें, उन्हें है व्यू मिल जाते देखने वाले भी हम लोग ही पूरा देखते हैं पूरा देखते हैं वी आर ह्यूम वी आर इंडियंस तो ठीक है अभी आते हैं अंजलि हम एक रोस्टर है हमारे भाई लक्ष्य चौधरी अंजलि अंश को ट्रोल करते ही रहते हैं

क्योंकि इनके लिए मैं इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट हूँ कुछ नहीं उनके पास <laughs> रोस्ट हो गए भाई रोस्ट हो गए पक्के हाँ हर्ष बैनीवाल की नई वीडियो आई है नई वीडियो मतलब लेटेस्ट वीडियो आई है उसमें अंजलि अंश को छत्तीस बिरादरी होती है वो छोड़ के सैंतीसवीं बिरादरी घोषित कर दिया गया अंजलि अंश को मुझे लगता है ना इस टाइम पे आई थिंक हॉट टॉपिक हो चुका है अंजलि अंश तो सबको अंजलियंस 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 को दिखाना है सो आई एम वेरी हैप्पी कि मैं हर जगह आ रही हूँ यार आई एम सो हैप्पी अंजलि मैं पूछना चाहता हूँ जब आपने ना ये कैरियर स्टार्ट किया बिल्कुल मैं उसकी बात कर रहा हूँ जब सोशल मीडिया पे बिल्कुल टिकटॉक पे भी जब स्टार्टिंग में आप आए थे तो परेशानी क्या आई थी उसमें सबसे पहले परेशानी घर वालों हाँ। की आई थी घर वालों की कैसे हाँ। कि हमारे घर की लड़कियाँ ये सब नहीं करती वीडियोज़ नहीं बनाती तो उस टाइम पे था कि हाँ चलो ठीक है नहीं बनाएंगे बट जब अच्छा लगने लग गया ख़ुद को घर पे कोई काम नहीं था तो वीडियोस बनाना शुरू किया और जब ख़ुद को भी पसंद आती है ना चीज़ें तो वो अंदर से एक मोटिवेशन आता है करने का okay. तो वो मोटिवेशन मुझे आता था कि ठीक है फिर मैंने पापा को भी मनाया मम्मी को भी मनाया भाई को भी मनाया फिर उनको भी ठीक लगने लग गया जब उनको लगा कि हाँ यार सब पहचान रहे हैं जान रहे हैं हमारी बेटी को तो ठीक है कुछ गलत नहीं कर कुछ गलत ना कर रहे मतलब मेहनत ही कर रहे हैं बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल, देखो एक चीज मैं अपना पर्सनल वो शेयर करता हूँ कि ना एक आर्टिस्ट जब तक तो कामयाब ना हो जाता ना उसे ना उस नजरिए से देखा जाता है कि क्या ही कर रहा है तू तो लाइफ बिल्कुल, में बिल्कुल। कि कुछ कर ले और जब अगर उसने लाइफ में कोई मुकाम हासिल कर ले तो फिर सबके का परिवार के और मतलब सब एक हो जाते हैं फिर तो ये लगता है कि कितनी दूर को हो ये हमारे ही तो है ये बिल्कुल जब लाइफ में पहली बार सॉन्ग ऑफर हुआ आपको पहली बार तो कैसा लगा और वो सॉन्ग कौन वो... सा था ये भी क्वेश्चन है कौन सा था क्योंकि बहुत कर रखे भाई चोरी ना बहुत गाने कर रखे हैं तो याद होना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल हाँ। पहला गाना था मेरा हरियाणवी सबसे पहला गाना जो मतलब मैं उसको आ, मानती नहीं हूँ मतलब कि वो मेरा पहला गाना है आई थिंक मेरा पहला गाना जहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है इस इंडस्ट्री में वो है टेम्परेरी प्यार टेम्परेरी प्यार हाँ जो मैंने काका के साथ किया था जो मेरे लिए मतलब मेरे को लगता है कि जहाँ से मैंने स्टार्ट किया है वो मेरा वो गाना है बिकॉज उससे पहले मैंने एक गाना किया था आई थिंक उसमें मैं दिखाई नहीं गई थी बिकॉज हाँ <laughs> ये क्या कह <गह> रहे हो <laughs> हाँ हाँ ऐसा हुआ था ये चीज़ नहीं पता किसी को आ, वो मतलब गाने में ना दिखाए गए थे मतलब, आ, मतलब बहुत कम मुझे लिया गया था एज अ मेन लीड बट उसमें बहुत ही कम शॉट डाले गए थे मेरे जी। जैसे आपने गाने, पहले तो गाने का ऑफर आया आप खुश हो गए मतलब, हाँ, ना बहुत बड़ी बात होती है, हाँ। उसने देखे है कि यार, काश किसी दिन मैं भी यार टीवी पे आऊंगी क्या और फिर उसी टाइम उसी पे आपको थोड़े टाइम में आपको एक सॉन्ग ऑफर हो रहा हो वो पूरा करने का आपके पास वो अपॉर्चुनिटी आ रही हो तो वो इट्स लाइक बिग थिंग और फिर जब वो स्क्रीन पे देखा तो फोन तो किया होगी जीत तो होगी भाई तो ना ना फिर मैं नहीं जीतती नहीं तो बोला तो होगा कि मेरी किस्मत में होगा वो मुझे मिल जाएगा मैं किसी से जीतती नहीं हूं अच्छा जो कर दिया मतलब ठीक है भाई कर दिया हो गया कोई बात नहीं किसी से जीत के क्या फायदा कोई ना कि भाई जैसा उन, उस टाइम पे उनको ऐसा लगा होगा कि आई थिंक ठीक है ना अलग रख देते हैं कम कर देते हैं आज कोई करके दिखाया <laughs> तो धमकी भी है अब तो अपने भाई आपको प्रूफ करना है ना अपने आपको प्रूफ, अपने आपको प्रूफ, करना।, आपको प्रूफ करना है कि उस टाइम पे उन्होंने वो किया बट यार फिर भी उनके साथ मैंने कभी काम नहीं किया ना उसके बाद ये तो है मतलब अगर कोई लाइफ में चीट करता है तो फिर वो मौका को देता है मुझे ना बस चीटिंग पसंद नहीं है मुझे चाहिए कि यार मैं जिसके साथ भी रहूँ जिसके साथ भी काम करूँ जो भी मेरा दोस्त हो वो लॉयल हो बस मुझे झूठ पसंद नहीं है मुझे धोखा पसंद नहीं है बस इतना मैं अपने प्रिंसिपल्स रखती हूँ। हां कौन के अपने बनाए हुए रूल हैं बिल्कुल झूठ नहीं पसंद मेरे को बिल्कुल अभी बिल्कुल। जो आपने आ, काका के गाने के बारे में बोला तो ये भी बता दो ना कितने मिलियन चल रखा है इट्स 500 मिलियन प्लस <laughs> <बतो हो भाई। laughs> बहुत बढ़िया मतलब आपके मैंने देखा कि चार सौ पाँच सौ मिलियन तक गाने चल रखे हैं और गाने भी बहुत सारे करें आपने तो सबसे फेवरेट गाना अभी तक का कौन सा जो मतलब क्या है ना कि समटाइम्स हम खुद के ही रिकॉर्ड बना देते हैं और जिनको ब्रेक करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है टेम्प्रेरी प्यार का एक रिकॉर्ड ऐसा बन चुका है लाइक अभी तक मेरे लिए मेरे सॉन्ग्स में कि उसको ब्रेक करना मेरे को आ ही नहीं रहा है कि लाइक उससे ज़्यादा हिट कोई हो ही नहीं रहा है ऐसा मुझे लग रहा है अगर है कोई अच्छा गाना तो यार करते हैं साथ में हाँ कोई अगर अच्छा गाना तो फिर करते हैं बिल्कुल बिल्कुल अभी आ, हमारी जो टीम में है लव कटारिया भाई हैं आपने लव कटारिया भाई के साथ भी एक गाना है तो कैसा एक्सपीरियंस रहा कैसा इंसान है वो लव अच्छा कटारिया है, अच्छा है वेरी नाइस अच्छा है हाँ। मतलब उसकी ना एक कोई खूबी बता दो और एक कमी बता दो क्योंकि मेरा तो खास है वो कमी कमी तो क्या ही खूब ही अच्छा है अच्छे से बात करता है अपने काम को लेके बहुत डेडिकेटेड है सेट पे आया बिल्कुल ऐसे ठीक हो मैंने कहा हाँ जी ठीक हो <laughs> करते हैं चलो शॉट ओके, चल। ओके ओके करते हैं बस मेहनती है हाँ जी मेहनती है लड़का उसकी मेहनत प्रूफ हुई है जब एलविश गया था बिग बॉस में उसने कितनी मेहनत की है बार ये उसकी खूबी है वो दोस्ती में बहुत पक्का है ये हमें देखने को मिला दोस्ती में पक्का है चलो अब दोस्ती की अगर आपने बात कर दी तो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्ती को लेके क्या मानना है आपका दोस्ती को लेके ये मानना है कि दोस्त वो होते हैं जो हर वक्त हर जगह खड़े रहें और मेरे पास भी हैं ऐसे बहुत सारे दोस्त और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चले भी जा चुके हैं हा, बहुत मतलब टाइम से दोस्त भी यार चले आते हैं जाते हैं और मैं वो मतलब उस दोस्ती पे बिलीव करती हूँ जिसमें आपकी तरफ से सच्चाई हो हु। क्योंकि हमें किसी से भी दोस्ती हो यार अपनी तरफ से सच्चाई रहनी चाहिए क्योंकि सामने वाला क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए और हमारी लाइफ में हमेशा गिने चुने दोस्त होते हैं और मेरे पास जो है वो बेस्ट है बेस्ट है तो किसी भी एक दोस्त के बारे में बताओ ना मतलब जो नाम मत लेना वैसे बताओ कि यार मतलब दोस्ती हुई है तो धोखा भी होता है दोस्ती में तो हाँ बतेरे धोखे हुए हैं यार तो बताओ ना कोई एक मजेदार सा किस्सा बता दो यार ऐसे क्या बताऊँ किस्सा एक करे में भी निकलते हैं दोस्तों हाँ भाई बहुत निकलते हैं सच में निकलते हैं ये बात कि तो मतलब है। फायदा उठा के तक फायदा फायदे फायदे वाली देखो मेरे साथ जो आज तक जिन्होंने भी दोस्ती है जिनको मैंने दोस्त बनाया है अपना खुद से एक होता है ना कि हाँ हाई हेल्लो तो सबसे रहती है बट अपने करीब किसको आने देना है दोस्ती में भी वो भी एक दायरा होता है और मेरे दायरे में तो बहुत कम लोग हैं लाइक हमारे जो स्कूल से कॉलेज से दोस्त है ना वही मेरे दोस्त हैं इस इंडस्ट्री से मेरा कोई दोस्त नहीं है अच्छा जो हाँ। मतलब जो आपकी दोस्ती का सर्कल है वो बाहर है बाहर और है। जो ये इंडस्ट्री है ये मतलब ठीक है इस इंडस्ट्री से मेरा कोई ऐसा दोस्त नहीं है जिसको मैं रोज कॉल करती हूँ रोज उनसे बात करती हूँ हाँ ठीक है कहीं मिल गए अवार्ड फंक्शन में किसी इवेंट में किसी बर्थडे पार्टी में देन फाइन हाय हेलो ओके बाय देन इतना होता है अब जैसे हम घूमने जाते हैं हर तीस तीसरे चौथे महीने में हम घूमने जाते हैं मेरे वही दोस्त जाते हैं जो मेरे साथ शुरू से थे जब मैं कुछ नहीं थी अच्छा छः सात साल से जिनसे मेरी दोस्ती है वही रहे वही हैं अभी तक भी मतलब वो ही है नो no चेंजेस हाँ मतलब ज़्यादा दोस्त चेंज ना होते मतलब नॉर्मल जो हैं जो पहले और करे... बाकी पता नहीं अब देखो लाइफ में हमें कुछ नहीं पता होता कब कहाँ नए लोग मिल जाए Okay. है ना टाइम दोस्ती हमेशा टाइम मांगती है और जब तक आप

जब आप गहराई से देखते हो ना ये बहुत अलग है जैसा हमें दिखता है वैसा नहीं होता है तो वही तो हमें दिखाओ <laughs> वही तो हम देखना चाह रहे हैं कि भाई क्या होता है ना कि हुँ. यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स डन होते हैं लाइक like, uh, आज आपने मुझे किसी प्रोजेक्ट के लिए कॉल किया है ना कि अंजलि ये हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं ये डेट फिक्स है सब कुछ फिक्स है और एक दिन पहले आप मुझे फ़ोन करके कह रहे हो कि यार सॉरी हम नहीं कर पाएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ़ दिस रीज़न मतलब हम पहले डन होता कर है, लिया होता है। और फिर मना भी कर दिया ऐसा होता है नहीं भाई ऐसे कैसे कर सकता है कोई सब होता है सब कुछ हो सकता है कुछ भी इम्पोसिबल नहीं है एनीथिंग कैन हैपन और पैसे को लेके फ्रॉड हुआ है हाँ होता रहता है यार कैसा चलता रहता है ये तो किसी ने पैसे हाँ मार लिए हुए हैं ओ बतेरे पर वो तो कमी भी ना भाई खूब पैसा मेर रखे रखे भाई अपनी कोई भी एक ऐसी आदत जो आप छोड़ना चाह रहे हो कि भाई यादत मेरी छूट जाए मेरा गुस्सा <laughs> गुस्सा भी करते हो नहीं देखा, नहीं देखा देखा हमने कभी नहीं देखा। देखना भी मत <laughs> ठीक है <laughs> तो नहीं, मेरा गुस्सा मतलब मेरे को मैं बहुत चिड़चिड़ी हो गई हूँ ऐसा मुझे फील होता है फिलहाल हाँ क्योंकि पता नहीं क्यों शायद चीजों की वजह से स्ट्रेस की वजह से मैं मतलब उनके साथ ही गुस्सा होती हूँ जो मुझे पता है कि मना लेंगे आगे मतलब मेरे दोस्त जी कि उनके साथ मेरा गुस्सा हर एक बात पे गुस्सा हो जाना कोई भी बात बुरी लग जाती है मेरे को बट उनको पता कि हाँ यार इसको बुरी लग गई तो इसको हमें ही मनाना है गलती चाहे इसकी भी हो मतलब मेरी गलती होती है मोस्ट ऑफ द टाइम बट सामने वाले आके मुझे मना लेते हैं मेरे दोस्त <laughs> भैया भगवान ऐसे दोस्त सबको दे बिल्कुल <laughs> अब आते हैं सुपर पावर पे हाँ अगर कोई भी ऐसी सुपर पावर आपको मिल जाए कि आप कोई भी रूल चेंज कर सकते हो या कोई रूल ऐड कर सकते हो सब पूरे यूनिवर्स का हाँ तो क्या करोगे वो सबके अंदर से ना वो झूठ बोलने की शक्ति निकाल दो सबके अंदर से सब कितना अच्छा हो जाएगा क्लीन भाई कितने घर खराब हो जाएंगे हैं यार वही तो <laughs> कैसी कर तो है? जाएंगे, अच्छे लोग तलाक हो जाएंगे भाई, भाई, भाई हो में लड़ाई हो जाएगी रोड रोड पर लोग उतर जाएंगे आपस में एक दूसरे को मारने के लिए झूठ की शक्ति छीन ली जाए जी। कितना सुधार हो जाएगा हमारे देश में नेता लोग कितना झूठ बोलते हैं हम हमने कि ये किया हमने वो किया ऐसे किया वैसे किया है ना मतलब हर चीज का ना एक झूठ वाला फैक्टर निकल जाना चाहिए मुझे ऐसा लगता है क्योंकि लोग झूठ के दम पे बहुत कुछ करते हैं भाई बहुत कुछ करते हैं बहुत बढ़िया अगर झूठी हटा दिया जाए ना तो आई थिंक लोग हैं अंदर से से भाई। मेरे हिसाब ना ये झूठ सच मैं, तो, मैं तो बोलता ही, तो ही ना ना रखो भाई बिल्कुल सच बोलो सब झूठ ना सच्चाई भाई अपने दोस्तों से अपने माँ बाप से अपने घर वालों से सच्चाई बोला करो सच्चाई बोलो सब टिकटॉक पे वो गाना पहला टिकटॉक पे नहीं इंस्टाग्राम पे वो कच्चा वायरल हुआ था तो कहीं ना कहीं देखो जब इंसान वा, मतलब होता है, तो है। ना लेकिन कहीं आपको ये ना लगता है, वो आपकी चला था। लगता है।, लगता है। तो उसका फिर कुछ क्रेडिट वगैरह कुछ आया फिर कुछ भी ना सारा क्रेडिट आज तक क्रेडिट ही चलता आ रहा है सभी देते है मेरे को छोड़ के आपको सब और क्या सब बताते गाना है

जब बाबा मेर रखे हाँ मतलब मैं तो कहूँ भगवान बहुत जल्दी <laughs> दिलाए और बहुत बढ़िया चलता रहे तो चलो इसी के साथ चलते हैं चलते चलते अंजलि एक बहुत प्यारा सा मैसेज हमारी यूट्यूब फैमिली को थैंक यू सो मच हमारा प्यारा सा पॉडकास्ट देखने के लिए आई होप कि आपको ये पसंद भी आया होगा और मैं आप सबको ये कहना चाहूँगी कि नेवर गिव अप कि कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए और जो भी आप कर रहे हो वो बहुत बेस्ट है किसी को यकीन हो या ना हो आपको अंदर से बिलीव होना चाहिए कि आप सही कर रहे हो तो बहुत ही अच्छा बहुत प्यार मैसेज दिया अंजलि ने कि कभी भी लाइफ में हार मत मानो जीवन मिला है तो उसको भाई लड़ते रहो रहो आगे बढ़ते कामयाबी एक दिन जरूर मिलेगी तो चलते चलते अपना इंस्टाग्राम आईडी बता दो हालांकि बताने की जरूरत ना है दोबारा बताओ अंजलि सर्च कर लेना मैं ऊपर ही आ जाऊंगा ठीक है मैं नीचे कर दूंगा भाई स्क्रीन पर मेंशन और अपने भाई अनूप चहल को एट द रेट फरीदबाद दोनों को फॉलो कर लेना इसी